ऐसे दो बुनियादी पहलू या शक्तियां हैं जो हर व्यक्ति के भीतर काम कर रही हैं एक है आत्मसंरक्षण की शक्ति आत्मसंरक्षण यानी खुद को बचाने की प्रवृत्ति लगातार आपके चारों सुरक्षा की दीवार बनाने की कोशिश कर रही है और असीम बन जाने की चाहत लगातार आपको उन सीमाओं से बाहर धकेलने की कोशिश कर रही है जिनमें आप जी रहे हैं यही दो हैं जो कई तरह से अभिव्यक्त हो रही है चाहे वो कुछ इकट्ठा करने के रूप में हो या किसी इंसान की हर तरह की इच्छा के रूप में यह मूल रूप से इन्हीं दो शक्तियों का खेल है एक बार जब आप अपनी पहचान किसी सीमित चीज से जोड़ने की गलती करते हैं तो खुद को बचाने की प्रवृत्ति पूरी तरह से जीत जाती है इस हद तक जहां ऐसा लगता है कि दूसरी शक्ति का अस्तित्व ही नहीं है तो अपनी साधना में सफलता की ओर प्रयास करने का सार है सारी साधनाओं का लक्ष्य सीमाओं का विस्तार करना होता है अपनी ऊर्जा की चार दीवारी को तोड़ना जब आपकी ऊर्जाओं में असीम हो जाने की लालसा है अगर आप अपने विचार और भावनाओं में अपने आसपास की सीमित चीजों से पहचान रखते हैं तब आप इन दोनों शक्तियों के बीच बेकार का संघर्ष पैदा कर लेंगे सफलता का राज है कि इन दोनों को एक हो जाना चाहिए जब तक कि ये दोनों एक नहीं होती तब तक आपके पास मौजूदा आयाम की सीमाओं को तोड़ने के लिए मौजूदा आयाम की चार दीवारी को तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती क्योंकि अभी आपके पास जो भी है वो बटा हुआ है आपको दो अलग दिशाओं में खींचने की कोशिश कर रहा है ये एक कदम आगे एक कदम पीछे एक कदम आगे एक कदम पीछे की यात्रा बन जाएगी अगर आप एक कदम आगे और एक कदम पीछे लेते हैं तो ये बिल्कुल साफ है आपका कहीं जाने का इरादा नहीं है हो सकता है कि ये एक अच्छी कसरत हो लेकिन आपका इरादा कहीं जाने का नहीं है एक बार जब आप अपने ही शरीर की सीमाओं से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं या जिसे आप शरीर का विस्तार कहते हैं परिवार घर आदि आपके शरीर के विस्तार हैं ऐसा नहीं है कि यह सब आपके पास नहीं होने चाहिए शरीर का होना और उससे पहचान रखना दोनों अलग चीजें हैं इसी तरह परिवार होना और उससे पहचान रखना दोनों बहुत अलग चीजें हैं एक बार जब आपने इससे अपनी पहचान जोड़ ली तो स्वाभाविक रूप से आपका सारा सिस्टम इस पहचान के आसपास एक दीवार खड़ी करने का काम करता है और ये आप जो अभी हैं उसकी वर्तमान सीमाओं को फैलाने या तोड़ने नहीं देता शंकराचार्य दुख से कहते हैं काथे कांता धनगत चिंता जिसका मतलब है कि एक बार जब आपकी पहचान अपने पारिवारिक रिश्तों से जुड़ गई तो आप स्वाभाविक रूप से सिर्फ पैसा जायदाद वगैरह के बारे में सोच सकते हैं आप किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं सोच सकते खुद को यह यकीन मत दिलाइए अरे हां मैं अपने परिवार की वजह से ही ऐसा बना हूं नहीं अपने परिवार की वजह से आप ऐसे नहीं बने हैं। चूंकि आप ऐसे हैं इसीलिए आपका परिवार वैसा बन गया है इसे उल्टे तरीके से मत समझिए जिस तरह से आप अपनी पहचान इससे करते हैं उसी से कुछ खास चीजें हो रही हैं हमारे खुद के बाहर कोई बाधा नहीं है इसे हम जैसे लेते हैं बाहर को हम जैसे अपने भीतर रखते हैं वही बाधा है अगर आपकी ऊर्जाएं बटी हुई हैं एक दीवार बनाने की कोशिश कर रही है और दूसरी उसे तोड़ने की ये एक संघर्ष है यह जीवन जीने का बर्बादी भरा तरीका है अगर आप हर चीज दीवार खड़ी करने में लगा देते हैं तो शायद आप कम से कम एक ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया बना दें। माफ कीजिए मेरे ख्याल से सबसे लंबी दीवार चाइना के पास है या अगर आप अपनी सारी ऊर्जाएं सीमाओं को तोड़ने में लगा देते हैं तो यह यकीनन हो जाएगा पुरानी बाधाएं मौजूद हैं वो दीवारें जो कहीं और बनी थीं, उनके टूटने में थोड़ा समय लग सकता है लेकिन महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप नई दीवारें नहीं बना रहे हैं पुरानी दीवारों को चूर चूर किया जा सकता है मगर समस्या यह है कि रोज नई दीवारें खड़ी हो रही हैं। ऐसा नहीं कि आपको सचेतन होकर इन्हें बनाना होगा एक बार जब आपकी सीमित पहचान होती है तो आप में मौजूद हर चीज दीवार बना लेती है कोई और तरीका नहीं है तो साधना आपको एक दिशा में धकेल रही है अगर आपका दिमाग सीमित चीजों में ही बंधा है तो आप अपने अंदर बेकार का तनाव पैदा कर रहे हैं आपने अपनी नाव बांध दी है और आप चप्पू चलाए जा रहे हैं यह भी अच्छी कसरत है पर आप कहीं पहुंचने वाले नहीं है अगर आप रस्सी खोल देते हैं और अगर चप्पू नहीं भी चलाते तो भी नदी के बहाव के साथ आप धीरे धीरे बहते जाएंगे आध्यात्मिक यात्रा में मेहनत की जरूरत नहीं है इससे बस समझदारी पूर्ण होना होगा लेकिन समझदार बनने के लिए कभी कभी प्रयास चाहिए होता है ज़रूरी नहीं है पर हो सकता है